हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने मोटो जी 13 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो है टच साउंड सेटिंग को आप डिसेबल कैसे कर सकते हैं, यानी कि ऑफ कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और ये टच साउंड सेटिंग जो है डिसेबल होने के बाद ये सेटिंग कैसे काम करती है, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पेज आपको ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज को ओपन कर लीजिए। सेटिंग पेज में आपको ना नीचे आना है, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा इस साउंड का, साउंड पे आपको इसे सिलेक्ट करना है। अब साउंड के इस पेज में आपको ना नीचे आना है, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा ये टच साउंड का। टच साउंड इस ऑप्शन के ठीक सामने आपको ये जो बटन दे रखा है ना, इस बटन को आपको सिलेक्ट करना है। तो ये बटन आपका जो है ना ब्लैक कलर में ऑफ हो जाएगा, यानी कि आपकी टच साउंड सेटिंग इस तरीके से डिसेबल हो जाएगी। अब ये टच साउंड सेटिंग जो है डिसेबल होने के बाद ये सेटिंग कैसे काम करेगी ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जब भी आप अपने मोबाइल फोन के किसी भी पेज पे होंगे या फिर किसी भी एप्लीकेशन के अंदर होंगे ना, अगर आप किसी भी ऑप्शन को टच करेंगे ना, तो आपका मोबाइल फोन जो है ना साउंड क्रिएट नहीं करेगा, किसी भी तरीके की साउंड को आवाज नहीं आएगी जब भी आप किसी भी ऑप्शन को टच करेंगे तो, ठीक है। तो ये टच साउंड सेटिंग जो है डिसेबल करने के बाद इस तरीके से काम करेगी ये सेटिंग आपके मोबाइल फोन में। अब मैं आपको इस सेटिंग को ढूंढने का एक शॉर्टकट तरीका भी बता देता हूं आपके मोबाइल फोन में। इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको अपने मोबाइल फोन में ना सेटिंग पेज ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज में आपको सबसे ऊपर ये सर्च सेटिंग का ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है और यहां पर आपको सर्च बार में टाइप करना है टच साउंड, ठीक है। जो सेटिंग नेम है यहां पर आपको पूरा का पूरा टाइप कर देना इस तरीके से, तो आपको नीचे की साइड ये टच साउंड का ऑप्शन शो हो जाएगा। यहां पर आपको ना एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप ये सर्च बार में सेटिंग का नेम आप टाइप करते हैं ना, तो यहाँ पर आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे ना, तो आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन दिखाई नहीं देगा, आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। जब ये नीचे की साइड ऑप्शन शो हो जाता है ना, इसे आपको सेलेक्ट करना है। इससे क्या होगा, आपका मोबाइल फोन आपको डायरेक्टली इस सेटिंग पेज में लेकर आ जाएगा और इस सेटिंग को हाईलाइट करेगा। तो ये मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका भी बता दिया है इस सेटिंग को ढूंढने का आपके मोबाइल फोन में।